लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने हिमांशु धवन की राम राम। तो भाई पिछले आप दो दिन तक सरपंच की एक ऑडियो वायरल हो रही है और एक जो वीडियो भी वायरल हो रही है जिसका अंदर सरपंच घर का अंदर जान लग रहा है और ऑडियो में जो है सरपंच और सपना बात करने लग रहे हैं कि कुछ बात करे के कुछ पूरा मैटर है उस मैटर ने लेके ना उस बात की जो ग्राउंड की कुछ रिपोर्ट है ग्राउंड की कुछ सच्चाई है उसने लेके आप अंसावास खुर्द में पहुँच रहे हैं सरपंच का घर पर। फिलहाल अपने अगला सरपंच मौजूद है इस टाइप बातचीत कर लें इन दोनों टोपिया का न लेकिन है और आपने जो वह ऑडियो सुन रखी तो इस वीडियो ने भी पूरी लास्ट तक देखना जब आपका जो है पूरा मामला समझ में आवेगा। तो राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई साहब। जो आपके एक ऑडियो वायरल हो रही है सपना और आपकी जो है अब बात करने लग रही है उसके साथ उसकी के कुछ आपने किस तरह फ़ोन किया था के कुछ उसकी सच्चाई है बताओगे एक बार भाई साहब। इनका तो सारा के ढोंग ड्रामा चल रहे हैं ये तो उसने उड़द काट के उड़ा लगा दी उड़द काट के उड़ा लगा दी इनका सिस्टम है जो ये मतलब मायर है चीज़ों का। रही बात ऑडियो ही पूछो पहले वीडियो ही पूछो पहले आप ऑडियो भी बता दो उसमें आपकी आवाज़ है कि सपना वो मतलब आप आवाज़ हमारे दोनों की है वो कोई बात आपकी और सपना की है तो आपने किस उद्देश्य से उसके द्वारा फ़ोन कराया था और जो आप पे बातचीत करने लग रहे थे उद्देश्य मेरा कौन था जो उद्देश्य उसका था सपना का। अच्छा मतलब क्या है इसके हाथ हर रोज छेड़खानी रहती है वो जो कैमरे लगा रखे हैं ना वो संदीप ने अपने घर पर लगा रखे हैं। अच्छा। और ये जहाँ जाती है इसके पीछे पीछे हो गए उससे छेड़खानी करते हैं कोई आता है सपना के घर उठने बैठने के लिए तो इनका लड़ाई दंगा होता है उसको गाड़ी गलोच करते हैं। अच्छा। एक बात और बताओ जो ये ऑडियो वायरल हुई है वो मतलब कितने टाइम पहले की है वो तो जी शायद याद को नहीं लेकिन जहाँ तक है मतलब एक डेढ़ महीने पहले की बात है ये मतलब डेढ़ महीने पहले की बात है और फिलहाल जो है ऑडियो वायरल हुई है। हाँ डेढ़ महीने पहले की बात हुई है। अच्छा। ये मैटर ये था जी यहाँ ऑडियो का भी सुनो मेरी बात जो कैमरे का सिस्टम वो पूरा विस्तार से बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा। सपना आपके घर में थी उस रात को। अच्छा। और मैं था सतनाली। अच्छा। सपना ने मेरे पास फ़ोन किया है वो तो भाईजान सुने रखा है शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। सपना आपके घर पर थी यहाँ संदीप ने तीन चार बंदे लिए आए ये और ये सपना के घर के आर बार इधर उधर घूमने लग गए इनको मतलब डराने के लिए धमकाने के लिए गाड़ी गलोज देने के लिए जो उनका माहौल था मुझे पता नहीं क्या माहौल से है। सपना ने कर दिया मेरे पास फ़ोन आगे सरपंच साहब ये ऐसे तीन चार मतलब सरपंच भी नहीं वो हमेशा मेरे को बोलती है जी जी ना तुम बोल रहा है इज्जत के साथ। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ आपकी और सपने की बात मैंने ऑडियो सुनी है खुद ने उसमें आपने कह रहा है शुरुआत में आपकी के हाल फिर आपने ये भी पूछा कि किस चीज़ की सब्जी बना रखी उसने बताया पेठे की सब्जी बना रखी है ये बातचीत हुई है उसके बाद में आपकी अभी बातचीत हो इसका गला है कि जो डड़ा मार तू कैमरे का है वह अनुको मेरे पर लग कौन कैमरे का डड़ा ये भी बातचीत हुई है। वो उद्देश्य था जी रोज परेशान होने के कारण उससे एक दो दिन पहले हमारे गांव में इकट्ठे हुए थे आदमी उसने सपना ने ये रखे थे अपने विचार की भाई मेरे को तंग कर रहे हैं कैमरे में देख के ना। अच्छा। और एक कह के दे कैमरा हटवा दो तो वो गांव के कहने थे उन्होंने कहा कहाँ हैं मैंने सपना को बोला था मालूम बोला तू थाना में एप्लीकेशन दिया इसकी एक। अच्छा। तो वो एप्लीकेशन दे उन्होंने हटाया नहीं वो एक दो दिन बाद में कितना दिन बाद में वो तीन बंदे आ गए तो उसने मतलब मेरे पास फ़ोन कर दिया मैंने उनको बोल दिया तेरे को बोल रहा था मतलब पत्थर मार दे तू फोड़ दे ने मतलब जो एफ आई आर दर्ज करवाए उसकी कॉपी वगैरह नहीं वो मेरे पास नहीं है जो सपना को पता है वो करवा के आई थी या नहीं करवा के आई थी लेकिन वो बोल रही थी मैं करवा आई ये क्लियर बोला था उसने मतलब ये मैटर था कि मतलब उसका घर पर संदीप और के अगर कोई बाहर जाओ थे तो उसका गला कोई लाग लेता मतलब इसे मैटर ने लेकिन वो एफ आई आर करवा के हाँ इसी मैटर पर करवा दी इसी मैटर पर यह कही थी कि नहीं हटाते हैं नहीं मतलब करते हैं तो इनका पत्थर मार दे तू अगर। अच्छा। फिर सपना ने बोला है पत्थर उसका पत्थर मारने की जरूरत नहीं है मेरे था नहीं रहे ये फिर मैंने ये कहा भाई तू पत्थर मार दे नीचे तो छज्जी के नीचे खड़ी होगी ना अगर ये भी नहीं है तो भाई तू एक काम कर क्या मैं आ जाऊं। अच्छा। मैंने ये बोला क्या मैं आ जाऊं लेकिन उसने पहले ये बोल दिया कैमरे बंद हैं। अच्छा। उसका उद्देश्य लोग और काट रहे हैं मैंने बोला था ये क्या मैं आ जाऊं सपना बोली है नहीं आपको तो कच्चे को खा जाएंगे आप आ जाओगे तो मैंने बोला रिपीट करना एक बार इस चीज़ को उसने दोबारा बोला है तो मैंने उस पर भी कहा है वो मेरा काम है उसमें भाई साहब को गलत तो थोड़ी बोला मेरा काम है मैं गांव का एक बात तो मैंने आपकी सुनी थी भाई उसमें बोला था वो मेरा काम है यह चीज़ तो आपने बोल रखी है नहीं मैं मौजूद आदमी और एक लेडीज के घर रात में तीन बंदे चक्कर काट रहे हो मेरे पास सब मतलब फ़ोन कर रहे हैं आ जाओ तो मेरा वहाँ जाने का कोई मतलब गलत उद्देश्य है और रही बात कई भाई कह रहे हैं भाई ये रात को आ रहा है बोल रहा है तीन बंदे और चक्कर काट रहे हैं उसके घर में मैं सो जाऊँगा इतनी मेरी हिम्मत है अगर भाई तीन बंदे गाल में घूम रहे हैं मैं सपना के अंदर जाके सो जाऊँगा बैठ जाऊँगा जो कोई गलत काम कर दूंगा और भाई इतने आरोप लग रहे हैं साथ के साथ आरोप पर आरोप लग रहे हैं फिर उसके बाद में मैं आ लिया था शायद
गांव में बढ़ लिया था, सपना का दोबारा फिर फोन की गया है, तो मैंने ये कहा मैं आ लिया 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, यही बोला है मैंने। मैंने गाड़ी घुमाई है, देखा है वहाँ कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मतलब फिर इसको फ़ोन किया तो आराम से सो जा, मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ यहाँ। अच्छा, हाँ ये बात है। इसका पूरा निचोड़ है, आप किस तरह माना गया कि बस जो आपने फ़ोन करा के था या आपकी जो भी बातचीत हो रही थी, जो उसका बाहर चक्कर काटा था या वो कहीं बाहर जाओ तो उसका पाछा लागे थे, यो उद्देश्य ने लेकर ना आपको उस लग्न कहा था कि भाई जो इन कैमरा का डड़ा मार बाठा मार, यही उद्देश्य था भाई साहब, और कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे सारा भाइयों से निवेदन से इसका भाई उद्देश्य सही काटो दम। एक तीन आदमी घूम रहे हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर, बोल रहे हैं तीन आदमी आ रहे हैं उसकी इज्जत बचाने के लिए या मतलब उसकी जान बचाने के लिए, मैंने ये बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ तो मैं गलत नहीं बोला। मैंने ये बोल दिया आग भाई पत्थर मार कमरे का, तो भी गलत नहीं बोला। और मैंने ये कह दिया भाई मैं आऊँ इतने तू छात का और पत्थर लेके चढ़ जा गली, मैं आऊँ तो उनका पत्थर ऊपर से मारते रात को हरकत हो, तो मैंने ये भी गलत नहीं कहा और मेरा हक भी है ये बोलने का, गलत नहीं बोला मैंने। तो भाई फिलहाल जो आप इस मामले ने लेके ना सर पर साहब दूर पहुँचे थे और आपने पूरा मामला देख लिया, ऑडियो भी आपने देखी होगी और फिलहाल जो आप सरपंच के बयान भी सुने, आपका क्या कुछ कहना है इनके विचारे प्रति और इस पूरा मामले प्रति, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, इतने के लिए जय जवान जय किसान।